Hello everyone, I'm on this side, your yoga and fitness trainer. Hope you all are doing great. आज हम लोग सेल्फ डिफेंस के ऊपर बात करने वाले हैं. मैं मार्शल आर्ट को इसीलिए मैंने मार्शल आर्ट को अपने चैनल में इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है बिकॉज आई एम नॉट अ ब्लैक बेल्ट. मैंने पहले क्लियर कर दिया कि मैं सिर्फ एक रेड बेल्ट हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे स्किल्स है जिसका इस सोसाइटी को जरूरत है, या फिर आज की डेट में हम ये बोल सकते हैं कि लड़कियों को. वैसे एक चीज़ के मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ कि हम ऐसे क्यों बोलते हैं हमेशा कि वुमेन सेल्फ डिफेंस. अगर आप लोग आज का सिनेरियो नोटिस करोगे तो यू कैन गेट टू नो वन थिंग कि जब भी रेप केसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कल्प्रिट्स होते हैं वो एक सिंगल इंसान नहीं होता है. कहीं पे भी देख लो, देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल. क्योंकि इतना घटिया क्राइम, इतनी घटिया हरकत करने के लिए एक इंसान हिम्मत नहीं जुटा पाता है. भेड़ियों की तरह उन लोगों को एक जुट बना के, एक ग्रुप बना के आना पड़ता है किसी को भी अटैक करने के लिए. तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, प्लीज़ रिमूव दिस टैग वुमेन सेफ्टी. दिस इज़ नॉट अबाउट वुमेन. बिकॉज अगर एक अकेला बंदा है और उसके ऊपर 5 लोग अटैक कर रहे हैं तो वो कोई एक सिंगल मेल भी हो तो वो भी उस चीज़ को फेस नहीं कर पाएगा. और इसी का एग्जांपल आपने निर्भया केस में देख लिया होगा कि उस टाइम पे उसके साथ में उसका फ्रेंड था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया. बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे वाइफ के साथ में उसका हस्बैंड होता है लेकिन वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, कर पाता है. क्यों? तो आप यहाँ पे क्यों नहीं बोलते कि वुमेन सेफ्टी? दिस इज़ नॉट अबाउट वुमेन सेफ्टी की बात आती है. आप लोग बिल्कुल सही हो कि लेडीज़ को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, उन बनना चाहिए कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें. लेकिन सबको ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग बनने की. इतना स्ट्रॉन्ग बनने की पहले आपको, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आप खुद को मेंटली प्रिपेयर करो कि कुछ होने वाला है, बट नहीं, आपको हर एक स्टेज में खुद को प्रिपेयर करना होगा बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है. डेट में इस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे एक टीनेज लड़का एक छोटे बच्चे का रेप करके उसको मर्डर कर देता है, तो क्या आप ये चीज़ समझ सकते हो कि दिस इज़ नॉट अबाउट जेंडर, दिस इज़ ऑल अबाउट बुलशिट दैट विल हैव इन देयर हेड्स. प्लीज स्टॉप दिस टैग. दिस इज़ अबाउट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर सोसाइटी, नॉट ओनली अबाउट अ वुमेन. एंड सेकेंड थिंग, सो अगर जहाँ तक बात है वुमेन की सेफ्टी की बात इसीलिए आती है क्योंकि वो थोड़ी डेलिकेट होती है, दे आर नॉट यूज टू डू सच काइंड ऑफ हार्ड वर्क, तो वो एक वीक टारगेट होती है. ये बोल सकते हैं कि वुमेन एक वीक टारगेट है मेल के कंपैरिजन में. लेकिन अगर एक मेल के साथ में 4 लोग अटैक कर रहे हो तो वहाँ पर वीक टारगेट सिंगल इंसान होगा. तो बेटर यही रहेगा कि आप दोनों, आप मेल और फीमेल दोनों को ट्रेन करो कि जब भी वो ट्रेन कर, लाइक जब भी वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो वो लोग दो ना होके 11 की तरह एक्ट करेंगे. 1 और 1 2 भी होते हैं एंड 1 और 1 11 भी होते हैं. ये आपके ऊपर है कि आप खुद को किस लेवल तक लेके जाते हो. एंड 1 और 1 -0 होता है. कमिंग हियर विद फ्यू सेल्फ डिफेंस ड्रिल्स जो कि किसी के भी यूज़ हो सकता है. दिस इज़ नॉट अबाउट वुमेन मैन ओलेज या फिर एक बच्चा. अगर आप लोग अपने बच्चों को, अपने लाइक अपने घर में बच्चों को ही बेसिक चीज़ें भी सिखाना शुरू कर देते हो और उनको सबसे पहले जब बच्चों की बात है मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, टीच देम गुड टच एंड बैड टच. लड़का हो, लड़की हो, कोई भी जेंडर हो, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि गुड टच और बैड टच में डिफरेंस क्या है और अगर उनको बैड टच फील होता है तो उनको कैसे डील करना है. व्हाट शुड बी फर्स्ट थिंग दैट दे शुड डू. ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. सो आज इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल सी सेल्फ डिफेंस ड्रिल के बारे में बताएंगे. सो उस ड्रिल को शो करने के लिए मुझे एक और इंसान की जरूरत होगी. सो आई विल इनवाइट माय फ्रेंड इन दिस वीडियो ताकि हम लोग आपको एक सिंपल सी सेल्फ डिफेंस ड्रिल के बारे में बता सकें. सो नाउ लेट मी वेलकम हर. हाय. हेलो. ओके, सो अभी हम लोग शो करेंगे आपको सेल्फ डिफेंस में. आप तो उन्हें बहुत सारी वीडियोज़ देख रखी होगी कि अगर आपका कोई गला पकड़ रहा है
होल्ड माय नेक, दोनों हाथों से इतने प्यार से कोई होल्ड नहीं करने वाला है। सो लोग बोलते हैं ये करो वो करो, ये तब मैटर करता है जैसे मेरे सामने वीक है, लाइक वीक इन द सेंस कि या वी कैन से समथिंग वी कैन देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू पीपल, तो इसलिए मैं इजीली कर पाई। लेकिन अगर यही सेम मेरे साथ में कर रहे हो करो तो नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपके सामने कोई हार्ड पर्सन है, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्लस पॉइंट जानने हैं और सामने वाले के वीक पॉइंट्स जानने हैं। आपके पास स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है, आपकी नी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंडीशनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। सेकेंड थिंग इज़ एल्बो, आपके एल्बो स्ट्रॉन्ग है। ये दो पार्ट बॉडी के ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप कंडीशनिंग ना भी करो, एक नॉर्मल इंसान भी किसी को एल्बो मारेगा तो उसको हिट होने वाला है। दिस इज़ नॉट अबाउट कि यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, सामने वाले के वीक पार्ट, जिसको वो चाह के भी ट्रेन नहीं कर सकता है। मेल की टर्म में उसका वीक पार्ट होता है पेल्विक एरिया, वहाँ पे हिट करोगे। जितनी मर्जी कोई भी मेल जितनी मर्जी कंडीशनिंग कर ले, वो वीक पार्ट है, वो हमेशा ही वीक पार्ट रहने वाला है। सेकंड थिंग इज डेथ पॉइंट, ये सबके लिए होता है डेथ पॉइंट। यहाँ पे आप जोर से किक मारो, पंच मारो, कोई भी इंसान इस चीज़ को कंडीशनिंग नहीं कर सकता है, उसको हर्ट होगा। सेकंड थर्ड थिंग इज हियर, यहाँ पे अगर आप फिंगर से लड़कियों के में नाखून से हिट भी करोगे तो भी सामने वाले को दिक्कत आएगी, वो नहीं कर सकेगा, वो खुद ही वीक पड़ जाएगा। सो ये चीज़ तीन पॉइंट है, तो आप उसको यूज़ कैसे करोगे। सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोई अगर आपका गला पकड़ रहा है लाइक दिस, कि मैं इसका गला पकड़ दूँ, तो व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू? आइसक्रीम, फर्स्ट थिंग। ये बहुत ही सही पॉइंट आया सामने। अगर सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताई है कि जब जो लोग भी ऐसे कोई भी अटैक करते हैं या फिर स्पेशली लेडीज़ को टारगेट करते हैं, उनको वो लोग सबसे पहले टारगेट करते हैं वीक टारगेट। वो सबसे पहले ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जो वीक हो, जो अपने लिए लड़ ना सके। और दिस इज़ नॉट अबाउट कि आप नहीं लड़ सकोगे, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताती हूँ, आपके पास सेल्फ डिफेंस की पहली चीज़ है आपकी आवाज़। हाथ पैर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीम जितनी ज़ोर से चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, आपके आवाज़ ही सामने वाले की हिम्मत तोड़ देगी। और यही एक चीज़ मैं क्लियर करने वाली हूँ, पहली चीज़ कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में होते हो आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर किसने अटैक किया, लेकिन आपको पता होगा मार्शल आर्ट में एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर यू विल फील लाइक यू आर फेंटिंग। वो सेम सिचुएशन तब होती है जब आपका ऐसा एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होते हैं कि आप फैंट हो जाते, दिमाग चलना बंद हो जाता है, उस टाइम पे आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। यही चीज़ मैं बोलती हूँ, मार्शल आर्ट में आपने एक चीज़ देखी होगी कि मार्शल आर्ट में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो लोग हू हा करते हैं और लोग इस चीज़ का बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसकी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट, उसका इम्पोर्टेंस क्या है हू हा करने का या फिर जो भी वॉइस निकालते हैं, सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस। आप जब उस टाइम पे आपको आदत हो जाए कि आप ख़त्म हो रहे हो, आपको आवाज़ निकालने की आदत हो चुकी है, तो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में आओगे जहाँ पे आपका दिमाग चलना बंद हो गया, तो सबसे पहले आप अपनी जुबान चलाओ। क्या कर रहे हो, शाउट करो, अपने आसपास लोगों को गैदर करो। अगर आपके पास लोग रहेंगे तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ शाउट लाउडली, मैक्सिमम यूज़ ऑफ वॉइस, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग, इस सिनेरियो में अगर कोई आपको अटैक कर रहा है तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं, हाथ मारेंगे, हाथ चलाएंगे, क्योंकि लोगों को पता है मेरे पास हाथ है, तो लाइक ओके होल्ड मी। अगर मैं नॉर्मल देखते जाऊँ तो लोग ये करने को सीखते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन ऐसे नहीं होने वाला, कोई क्यों छोड़ेगा। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताती हूँ, अगर ये मेरी तरफ आ रहा है, लाइक मेरे को होल्ड करके लेके जा रहा है किसी की तरफ, होल्ड व्हाट विल आई डू, थोड़ा स्लो करियो, मेरे को देखो रेंज से बाहर आना है ऐसे, कि जितना मतलब आई माइक छोड़ दूँ, देख ऐसे नहीं, ऐसे ही बाहर बाहर अमन लग जाए, नहीं नहीं मैं तुझे बता रही, यहाँ से बाहर जा, मेरी स्पीच बाहर जा, मतलब मैं तुझे पकड़ा है ना, स्पीच चल रही है मेरे हाथ से बाहर, हाँ वही बोल रही हूँ, तो अलग मैं तेरे को अटैक करती हूँ, अगर तू मेरी स्पीच से ज़्यादा जाएगी तो पीछे देखो,
और बस कोई वो तेरा लूज हुआ होगा तो अच्छा वैसे टाइट पकड़ इसे थोड़ा टाइट पकड़ नहीं टाइट मत पकड़ नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा मैं सुराही जैसी कर दूंगी तो नहीं तू थोड़ा सा अटेंशन और अलर्ट सेकंड थिंग इज स्पीड रिफ्लेक्सिव अगर सामने वाला होल्ड कर रहा है तो उसकी रेंज से बाहर जाओ सो लाइक आई एम ओके होल्ड मी पीछे थोड़ा सा टच होता है सही जाने का होल्ड तो अब ये मेरी तरफ आ रहा है तो अगर मैं ये करूँगी तो उसको पावर ज़्यादा मिलेगी तो व्हाट विल आई डू आई स्टेप बैक उसकी रेंज से बाहर निकल जाऊँगी फर्स्ट थिंग अगर आपका भागने का दिस इज प्रोटेक्शन कि अगर आप उससे थोड़ा सा बाहर जा रहे हो तो भाग जाओ थोड़ा सा आप उसको धक्का दे दो जैसे आपको थोड़ा मौका मिला पुश एंड रन अवे फर्स्ट थिंग इज दिस दैट यू कैन डू एंड सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू फॉल हिट यूजरली एंड हिट हो सकता है कि आप उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो वो आपको होल्ड कर रहे हैं और अगर आपने यहाँ से जान लगाई है तो उसको डिस्ट्रैक्ट करो एंड हिट उसके बाद जैसे उसका बैलेंस खराब हो जाएगा भाग जाओ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको अटैक आप एक मार्शल आर्टिस्ट हो या फिर सिंपल इंसान हो अगर आप प्रोटेक्शन के लिए हो तो आपको अटैक आपको फाइट नहीं करनी आपको खुद को बचाना है इस टाइम पे जितना आप अग्रेसिव होंगे जितना ज़्यादा वो होगा तो फाइट इज समथिंग कि वो आपको लाइक इट्स नॉट गुड फॉर यू आपको कोशिश करनी है कि उस सिचुएशन से थोड़ा सा उसको हर्ट करो और भागो बिकॉज यू कॉन्ट फाइट विद समवन हु आर मच मोर स्ट्रोंगर देन यू तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है तो आज हमने दो सिंपल सेफ्टी ड्रिल्स पे काम किया है मतलब सिंपल अगर कोई होल्ड कर रहा है तो आप कैसे करोगे सबसे पहले आपको स्क्रीमिंग करनी है एंड सेकेंड थिंग अगर कोई आपको होल्ड कर रहा है तो आपको उससे बाहर चलना लाइक होल्ड कर रहा है आपकी तरफ आ रहा है आप उससे पीछे चलो इट्स क्वाइट ईजी कि आप उसकी रेंज से बाहर जा सकते हो एंड थर्ड वन इज ऐसे पकड़ रखा है उसको डिस्ट्रैक्ट करो हाथों से एंड हिट उसके वीक पॉइंट पे हिट करो कोई भी इंसान इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएगा जितना मर्जी स्ट्रोंग हो वीक पोर्शन इज अ वीक पोर्शन तो आप इन सब चीज़ों पे अगर आप लाइक यू कैन कीप इट इन योर माइंड तो हो सकता है कि थोड़ी सी अलर्टनेस से आप एक सिचुएशन को लाइक यू कैन हैंडल इट आप उसको और बुरा होने से बचा सकते हो तो इस वीडियो में हम एक ऐसी ही और सेल्फ डिफेंस ड्रिल को लेके आने वाले हैं दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच अमेजिंग वीडियोस एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियो मी ऑन इंस्टाग्राम माय यूज़र आईडी इज़ amandeep.rajput.75 इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट वीडियो मेरे को किस टॉपिक पे या नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहोगे टिल देन बी स्ट्रॉन्ग बी सेफ बी अलर्ट